आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सबसे पहला हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सॉलिड मतलब क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं सॉलिड, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में। तो सॉलिड का मतलब क्या होता है, जिस पास एक डेफिनेट शेप हो या फिर उसके एक डेफिनेट वॉल्यूम हो। और ज़्यादा करके हमने ये पढ़ा है कि इनमें एक इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या कि इनके अंदर जो आइटम्स है वो एक दूसरे से एकदम बोल सकते हैं एकदम पैक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्ग है। जिसके कारण क्या होता है, इसको हम रिजिड बॉडी भी बोलेंगे, क्योंकि इस पर हम कितना भी ज़्यादा प्रेशर लगाए इसका जल्दी शेप बदलेगा नहीं। लेकिन ये आखिर में अगर ज़्यादा अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो एक समय ऐसा होगा कि इसके बॉडी में चेंजेस आएगा या फिर इसका शेप या साइज या वॉल्यूम इसका चेंज होगा, जिसके कारण मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। इसका मतलब अभी तक हमारे यूनिवर्स में जितने भी चीज़ पाए जाते हैं वो कहीं भी या कोई भी वो सब्सटेंस हो वो कभी परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकते। अगर हमें कंसिडर करना है कि वो रिजिड है तो उसको हम बोलेंगे आइडियल रिजिड बॉडी, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो, क्योंकि हर बॉडी पे एक डिफिनाइट फोर्स लगाने पे उसका सेम या साइज या फिर वॉल्यूम उसका चेंज हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं, अगर हम किसी बॉडी पे अगर सेप साइज अगर किसी बॉडी का सेप या साइज या फिर वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है फोर्स लगाने के कारण, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन शेप साइज एंड वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैंने किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसका शेप या फिर साइज या फिर वॉल्यूम उसका चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स। ओके, अब डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है, देखो ध्यान से। जैसे कि मेरे पास एक क्यूब लाइक एक बॉडी का ऐसा बॉक्स है, इसमें मैंने क्या किया, ऊपर से फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, ये ऊपर की तरफ से दबेगा और दबने के कारण क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा, साइज भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर शेप साइज और वॉल्यूम चेंज होता है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज हो रहा है। डायमेंशन चेंज हो रहा है इसका मतलब कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिस कारण इस बॉडी का डायमेंशन चेंज हो रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी बॉडी का अगर डायमेंशन चेंज होता है किसी फोर्स के कारण तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स। ओके, अगर कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है तो क्या हो सकता है और क्या क्या नेचर है सॉलिड के जो हम देखते हैं। पहला है रिजिड। रिजिड हमने अभी देखा कि जिसके इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, हम कितना भी फोर्स लगाए वो अपना जो पोजीशन सेम वो साइज वो चेंज ना करें। लेकिन अगर हमारे यूनिवर्स में सब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, क्योंकि आखिर एक ऐसा टाइम आएगा या फिर एक ऐसा मैं फोर्स लगा उसके कारण वो बॉडी का सेम साइज और वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि यूनिवर्स में सब कोई भी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड है। और अगर मुझे अगर कंसिडर करना है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, आइडियल रिजिड बॉडी। बस ऐसा कंसिडर किया गया है कि एक ऐसी बॉडी जिसका नाम है आइडियल रिजिड बॉडी और ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, इस पर कोई भी फोर्स लगाने के कारण इसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है। ओके, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक रबड़ बैंड है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, तो जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, रबर स्ट्रेच हो रहा है। ओके, तो देखते हैं हम, ये रबर हुआ स्ट्रेच। स्ट्रेच होने के बाद जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाता हूँ तो वैसे क्या होता है, ये रबर अपने ओरिजिनल शेप में चले जाता है। जैसे कि इसका बोलने का मतलब है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो जस्ट इसके अपोजिट ही डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जो इसको इसका वापस पोजीशन दिलाने में हेल्प कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जब कोई बॉडी को हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उसका शेप साइज बदलता है, जैसे उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं और उसको वापस पहले जैसा उसका शेप और साइज मिल जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ओके, तो हम देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी, अगर कोई बॉडी है, इफ अ बॉडी रिगेन देयर
शेप साइज एंड वॉल्यूम व्हेन रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस बॉडी वी कॉल्ड इलास्टिक, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एंड द प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी। ओके, और ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हम ये जो एप्लीकेशन है बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उस समय जब हम सरिया वरिया लगाते हैं स्टील या फिर आयरन का, तो उस समय भी हम पहले देखते हैं कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, उस हिसाब से हम उस सरिये का या फिर उस आयरन रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी का बहुत सारा एप्लीकेशन है, ये तुम अपने हायर क्लास में देखोगे। ओके, इलास्टिसिटी के बाद है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या होता है, ध्यान से देखा, तुम सब ने अपनी मम्मी के साथ कभी आटा उटा साना होगा। जैसे कि हम देखते हैं ये आटा है, जैसे इसमें हमने उंगली किया तो क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा गड्ढे टाइप बनेगा, ऐसा शेप चेंज होगा। अगर इस फोर्स को मैं हटाता हूँ तो हल्का सा अपना पोजिशन कवर करेगा, लेकिन पूरा अपना पोजिशन ये कवर नहीं कर पाएगा। मतलब क्या, मैंने इस पर नीचे की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स बनाया, लेकिन जब मैं फोर्स हटाया तो फोर्स हटाने के बाद इसका ओरिजिनल जो शेप साइज था वो इसको वापस नहीं मिल पाया, जिसके कारण इसको मैं क्या बोलूंगा, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलूंगा, प्लास्टिसिटी। या फिर और भी तुमने देखा होगा मड, एवरीवन नो मड, बारिश टाइम जो कीचड़ हो जाता है उसमें जब हम पैर रखते हैं तो उसका शेप और साइज बदल जाता है, और जैसे उस पर हम अपना डिफॉर्मिंग फोर्स में जो पैर रखे हैं, जैसे उस पैर को हम हटाते हैं तो वापस जो वो मड है अपने रियल मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन था उस पोजीशन में नहीं आ पाता, इसके कारण इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, इफ अ बॉडी नॉट रिगेन डज नॉट रिगेन शेप साइज एंड वॉल्यूम व्हेन रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। कौन सी बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी।